दादा ओम प्रकाश चौटाला से आशीर्वाद लेने वाले ले गए और जलने वाले जलते रह गए। उन्होंने कहा कि प्रेस नोट छपवाने वाले छपवाते रहेंगे, ये तो समय का फेर है। जिसे आशीर्वाद मिलना था मिल गया। सभी को पता है कि इनेलो के प्रेस नोट कहां से छपते हैं। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को दादा ओम प्रकाश चौटाला एक विवाह समारोह में मिले थे। परिवार के मुखिया होने के नाते सभी छोटों का फर्ज बनता है कि वो उनका आशीर्वाद जरूर लें। आशीर्वाद लेने वाले ले गए और जलने वाले जलते रह गए, प्रेस नोट छपवाने वाले प्रेस नोट छपाते रह गए। तो ये तो भाई समय का हेरफेर है, जिसको आशीर्वाद मिलता है और तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। इनेलो कैसे चलती है, सिरसा जिला के पत्रकार तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनेलो के प्रेस नोट कहां से छपते हैं, किनके आदेशों पर छपते हैं, और वो कितने इनसिक्योर लोग हैं कि उनको जो है ना लोगों की सेंटिमेंट से वो इतना घबरा गए कि रातों रात प्रेस नोट भी छपाने पड़े। हमने तो कोई ऐसी बात कही ही नहीं थी, हमने तो कभी कोई इस तरह की बात ही नहीं कही। एक शादी का समारोह था और हमारे दादा वहां पर थे, हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म है कि हम उनके पैरों के हाथ लगाएं। उनका हमें आशीर्वाद मिला, दुष्यंत जी को मिला और हंसते हुए मिला, इसमें कोई दोराय नहीं। तो उसका इतना बवंडर बना देना, उसके इतने मायने निकालना और उसके बाद इतना खतरनाक प्रेस नोट जिसमें इतनी हार्ड और क्रूर भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, ये तो मुझे उन लोगों की भाषा लगती है जो डराया धमकाया करते हैं।